जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बने हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार बनाने के बाद में आप इसे महीने भर तक खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये रेसिपी दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है, आप ज़रूर बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं शक्करपारे कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 कप मैदा को छान कर रख लिया है। इसी कप से हमने माप किया है, जो मेजरिंग कप होता है, आप कोई भी बोल या कटोरी ले सकते हो। अब इसमें हमें मोयन डालना है, तो 2 कप में हम 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब पहले हम मोयन को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो है गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, एक सार हो जाना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है मोयन एकदम परफेक्ट है, इसी तरह का मोयन होना चाहिए। अब इसके गूंथने के लिए हमने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, तो गुनगुने पानी से ही हम इसको गूंथ कर तैयार करेंगे। इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते जाएंगे और साथ साथ इसको गूंथते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने एकदम चिकना और सख्त सा डो लगाकर तैयार करना है। 2 कप आटे से हम 2 ही लोइयां बनाकर तैयार करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और साथ में एक चकला बेलन ले लेंगे। इसको अब हमें बेल कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इसको पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इसी तरह का इसको हमें बेल कर लेना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार शक्करपारे कट कर सकते हो, जैसे आपको बनाने हैं, थोड़े से छोटे या फिर बड़े। तो लेकिन मैं इसको इस तरीके से ब्लॉक की शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्क्वायर या फिर ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो सारे हमें पहले इसी तरीके से बनाकर रख लेने हैं। आप देख रहे होंगे इसकी थिकनेस, थोड़े से इसको हमें मोटा ही रखना है। उसके बाद में हमने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे हमारा तेल जो है थोड़ा सा नॉर्मल ही गर्म हुआ है, इसको हमें ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। अब इसमें हम एक बार में जितने शक्करपारे आ जाएंगे उतने ही डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, अभी कुछ देर तक हम इसको लो फ्लेम पे सेकेंगे। जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे फ्रेंड्स, तेल के ऊपर आते जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी ही देर में ये एकदम फूल कर मोटे मोटे हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। और इसको हमें जब तक लो फ्लेम पे सेकना है, जब तक ये पूरी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक कच्चा शक्करपारा दिखाती हूँ उठाकर, ये देखिए। और साथ में मैं आपको ये सिके हुए भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से फूले हैं। तो यहाँ पे शक्करपारे जो है पूरी तरह से फूल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे और सेकेंगे। उसके बाद में गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। और जब इसके अंदर इस तरह का ब्राउन सा कलर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो गैस का फ्लेम हम वापस कम कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में हम दूसरे शक्करपारे सेकेंगे, तो वो कहीं हमारे ख़राब ना हो जाएं इसलिए। और इस पे हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको सेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे जो हैं सिक कर अच्छे से तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं सेकना है, नहीं तो बाद में ही काले काले दिखाई देने लगते हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। तो जर में भरकर इसको हम ऐसे कढ़ाई के किनारे पे लगाएंगे, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में चला जाए। और सारे शक्करपारे हमें इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेने हैं। एक बार के शक्करपारे सेकने में हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे हमने एक कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप शक्कर। जिस बर्तन से हमने मैदा नापी थी, उसी बर्तन से हम 1.5 कप भरकर शक्कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने हाफ हाफ कर करके 3 बार शक्कर ले ली है, और इसमें हम डाल देंगे शक्कर से आधा पानी, यानी 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और इसको हम एक चम्मच से चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी 2 तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे इसमें 3-4 पिंच इसके अंदर डालेंगे हम हरी इलायची का पाउडर, और साथ में इसको सुंदर सा कलर देने के लिए फ्रेंड्स हम 2 से 3 पिंच इसके अंदर डालेंगे येलो फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन आप त्यौहार पर ऐसी रेसिपी बना रहे हैं तो ये देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी कलर डाल लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह का तार बनना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। क्योंकि जब तक हम तार को चेक करते हैं ना, तो चाशनी थोड़ी सी और पक जाती है, वो परफेक्ट 2 तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें शक्करपारे डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है फ्रेंड्स, ना ही ज़्यादा लो रखना है और ना ही ज़्यादा फुल रखना है।
चाशनी में डालने के बाद इसको हमने लगभग 2 मिनट तक और पकाया है। आप देख रहे होंगे चाशनी के अंदर अच्छे से जाग बनने लगे हैं फ्रेंड्स। तो अब इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और फटाफट दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो ये ठंडे होकर जमने लग जाते हैं। और दूसरे बर्तन में डालने के बाद आप इसको इस तरीके से छुटा कर अलग अलग कर दें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में आप इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में भरकर आप रख लें और इसको आप 15 से 20 दिन तक, महीने भर तक भी इंजॉय करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस दिवाली पर आप इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।